हेलो इंजीनियर्स, तो इस वीडियो में समझेंगे कि स्टिफनेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं और स्टिफनेस मॉडिफायर्स की वैल्यूज हमको क्या कर लेनी चाहिए जब भी हम यहाँ पे हमारे एक सेक्शन एनालिसिस एंड डिजाइन करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि स्टिफनेस क्या होता है हमारे स्ट्रक्चर मेम्बर में। देखिए, जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं, बीम्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिजिडली कनेक्ट होते हैं। रिजिडली कनेक्ट होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो मेम्बर्स होते हैं उसमें यहाँ पर मोमेंट डेवलप होते हैं, शेयर फोर्स डेवलप होते हैं और एक्सियल फोर्स डेवलप होते हैं। तो जितना रिजिड कनेक्शन होगा हमारे कॉलम बीम और हमारे स्लैब के अंदर, तो जो उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, मटेरियल स्टिफ होगा। और जितना ही ज़्यादा हमारा मटेरियल स्टिफ होगा उसके कारण यहाँ पे जो मूवमेंट डेवलप होगा, जो शेयर फोर्स डेवलप होगा और जो एक्सियल फोर्स डेवलप होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसके कारण जब हम मूवमेंट हमारा ज़्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, जो रिइंफोर्समेंट की क्वांटिटी हमको लगेगी वो भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो यहाँ पे डिटेल में आपको सारी चीज़ें लिखी हैं, आप इसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। फिर यहाँ पे स्टिफनेस मॉडिफायर्स क्या होता है, उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया हमारे IS कोड के अंदर, उसको समझते हैं। तो ये क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने से पहले जो भी हमारे स्ट्रक्चर होते थे उसमें हम 100% मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते थे हमारे कॉलम्स और बीम का, और उसके हिसाब से हमारे कॉलम्स और बीम्स को डिज़ाइन करते थे। लेकिन जो हमारे रेनफोर्स कॉन्क्रीट मेम्बर्स होते हैं उसमें एक जो टेंशन जोन होता है उसमें क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि लोड जब हमारे स्ट्रक्चर पे आता है तो उसके कारण क्या होगा, जो हमारा टेंशन जोन होगा वहाँ पे क्रैक्स डेवलप होंगे, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, मेम्बर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके कारण यहाँ पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³/12 हमारे रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रैक्स हुआ है उसके कारण यहाँ पे जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है उसी को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्टिफनेस मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। यानी कि जब हम हमारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रैक हो चुका है और उसके हिसाब से हम हमारे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्टिफनेस मॉडिफायर्स है इसका कॉन्सेप्ट ऐड किया गया हमारे कोड के अंदर। फिर यहाँ पे समझते हैं स्टिफनेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं। तो इन स्टिफनेस मॉडिफायर का यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो मेंबर्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को इंक्रीज कर सकते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज डिक्रीज हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे जो हमारे क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज़ हैं, ए लाइक एरिया, इनर्शिया, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट एक्सेट्रा, इन सबकी वैल्यूज़ को हम क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं हमारे स्टिफनेस मॉडिफायर को यूज़ करते हुए। जनरली जो हमारा स्टिफनेस मॉडिफायर है उसको हम यूज़ करते हैं हमारे कॉन्क्रीट सेक्शन को डिज़ाइन करने के लिए एज अ क्रैक सेक्शन। और ये जो स्टिफनेस मॉडिफायर है वो हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, सिर्फ जो हमारे कॉन्क्रीट होते हैं मेंबर्स उसी में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो हमारे कॉन्क्रीट मेंबर्स होते हैं वो टेंशन में क्या होते हैं, क्रैक होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे उसका एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे मोमेंट से क्या है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट कम हो जाएगा। फिर हम समझते हैं यहाँ पे जो हमारे स्टिफनेस मॉडिफायर्स है उसकी क्या जरूरत पड़ती है हमको स्ट्रक्चर में। तो क्रैकिंग की वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि जो हमारी स्टिफनेस है हमारे मेंबर की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हमारे थिकनेस ऑफ मेंबर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा हमारे फोर्सेस के वजह से, हमारे लोड्स की वजह से, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पहले ही असाइन कर देते हैं स्टिफनेस मॉडिफायर्स हमारे रिड्यूस सेक्शन के लिए, यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर मेंबर्स है उसको हम डिज़ाइन करते हैं एज अ क्रैक्ड मेंबर। फिर यहाँ पे जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसको हम क्रैक सेक्शन कंसिडर करके हम क्या करते हैं, एंश्योर करते हैं कि जो हमारा मेंबर है वो क्या है, सेफर और लार्जर है एज कंपैरिजन टू, अगर आप यहाँ पे 100% आपके स्टिफनेस को कंसिडर करते हैं तो। तो यहाँ पे जब हम स्टिफनेस मॉडिफायर्स को यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा हमारे मेंबर्स का वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पे हमारा कोई भी एक बीम का क्रॉस सेक्शन है और ये जो डेप्थ है हमको सिर्फ हमको इतनी डेप्थ की रिक्वायरमेंट है, लेकिन जब हम स्टिफनेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डेप्थ ऑफ बीम हो जाएगा हमारे बीम का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये क्या है, हमारा एक बीम है और दोनों साइड में क्या है, यहाँ पे सपोर्ट्स प्रोवाइडेड है। तो जब ये टेंशन जोन यहाँ पे बॉटम में होता है, टेंशन जोन होने के कारण यहाँ पे क्या होंगे, क्रैक्स डेवलप होंगे। क्रैक्स डेवलप होने के कारण ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है जो हमारा ओरिजिनली इतना था, क्रैक्स डेवलप होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेक्शन सिर्फ इतना ही बचेगा, ये ऊपर का पार्ट जो है सिर्फ इतना ही बचेगा। तो हमारा क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसके कारण हमारे स्ट्रक्चर फेल होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे स्टिफनेस मॉडिफायर्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो डेप्थ ऑफ बीम आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, जिसके कारण यहाँ पे जब क्रैक्स डेवलप भी होंगे तो यहाँ पे हमारा जो डेप्थ बचेगा वो कितना बचेगा,
इतना बजेगा जो कि हमारे एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको डेप्थ यहाँ पे मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा हमारे सबडिस्क्रिप्ट की कंडीशन में। तो इसीलिए हम यहाँ पे स्टिफनेस मॉडिफायर्स को प्रोवाइड करते हैं। फिर ये जो स्टिफनेस मॉडिफायर्स है इनकी क्या वैल्यू होती है हमारे IS कोड के हिसाब से वो देख लेते हैं। तो ये जो हमारे स्टिफनेस मॉडिफायर्स की वैल्यू है ये आपको कहाँ पे गिवन है, देखिए टेबल नंबर 6 में गिवन है, करेंट RC सेक्शन प्रॉपर्टीज क्लॉज 7.2। अब मैं आपको IS कोड में दिखा देता हूँ ये कहाँ पे गिवन है। फिर यहाँ पे देखिए जो हमारा IS कोड है वो है IS 16700-2017 क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ टॉल कंक्रीट बिल्डिंग। तो इसके पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 7 पे टेबल नंबर 6 में हमको करेंट RC सेक्शन प्रॉपर्टीज गिवन है। फिर यहाँ पे देखिए स्लैब्स हैं, बीम्स हैं, कॉलम्स हैं और ये वॉल्स के हमारे शेयर वॉल जो हम प्रोवाइड करते हैं, कंक्रीट के वॉल्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए यहाँ पे वैल्यूज गिवन है। अगर यहाँ पे आप एंड फैक्टर डॉट कंसिडर करते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या लेना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्या लेंगे स्लैब्स के लिए 0.35 लेंगे, और अगर आप फैक्टर लोड लेते हैं तो उसके लिए हम क्या लेंगे 0.25 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही कंसिडर करेंगे। फिर बीम्स के लिए यहाँ पे 0.35 है फैक्टर लोड के लिए, कॉलम्स के लिए है 0.7 और जो हमारे वॉल्स होंगे RCC वॉल उसके लिए भी यहाँ पे क्या लेंगे हम स्टिफनेस मॉडिफायर 0.7 IG। यानी कि यहाँ पे से हमने सिर्फ 70% ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर किया है हमारे कॉलम्स और वॉल्स में, 35% कंसिडर किया है हमारे बीम्स में और 25% कंसिडर किया है हमारे स्लैब्स में। तो ये सारी स्टिफनेस मॉडिफायर्स की वैल्यूज को भी हमको इनपुट करना पड़ता है हमारे ETABS और स्टैटो के अंदर अगर हम यहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स को डिजाइन कर रहे हैं तो। तो आई होप आपको ये सारी स्टिफनेस मॉडिफायर्स के कॉन्सेप्ट समझ गया होगा और स्टिफनेस मॉडिफायर्स क्यों हम प्रोवाइड करते हैं वो भी समझ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।